वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें एच ऑफ वाई इज इक्वल टू दे दिया गया है वाई स्क्वायर एंड जी ऑफ जेड इज इक्वल टू दे दिया गया है जेड क्यूब, और हमें एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए एंड जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए का एच सी एफ फाइंड करना है। इसके चार ऑप्शंस हमें दिए गए। सो एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, क्योंकि एच ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो एच ऑफ बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। सिमिलरली एच ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, जिसे कि हम लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इसी तरीके से g ऑफ z इज इक्वल टू है z क्यूब, तो g ऑफ b इज इक्वल टू b क्यूब होगा एंड g ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब होगा, जिसे कि हम लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। अब हमें इन दोनों में से एच सी एफ फाइंड करना है। सो एच सी एफ इज इक्वल टू होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो दोनों में कॉमन हो विथ लीस्ट डिग्री। सो बी माइनस ए जो है वो दोनों में कॉमन है और दोनों का डिग्री सेम है, सो एच सी एफ जो है वो बी माइनस ए होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। सो सी करेक्ट होगा। थैंक यू।